हिजाब जो है ये एक मजहबी हट है या फिर वाकई ये संवैधानिक हक है? देखिए, संविधान की जब हम बात करते हैं, हमारी जो संवैधानिक अधिकारों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या धार्मिक अधिकार की बात की जाती है, तो धार्मिक अधिकार जो होता है वो एक इंडिविजुअल का राइट होता है और वो इंडिविजुअल की चॉइस होती है। हम मुसलमान हैं और अलग अलग मुसलमान किस तरह से और कितना प्रैक्टिस करते हैं वो अपना एक नजरिया होता है। यहीं पर अभी आपके शो पर अलग कितने सारे मुसलमान हैं, उनकी सोच, उनका अपना रहने का सहने का तरीका सबका अलग होता है। तो ये किसी समूह का या किसी ग्रुप का या किसी समुदाय का अधिकार नहीं होता, ये इंडिविजुअल राइट है। लेकिन जब भी हम हिजाब की बात करते हैं, चाहे ईरान की बात हो या फिर हम हिंदुस्तान की बात करें, देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि महसा अमीनी की हत्या हुई और उसको प्रूव करने के लिए कि हमने महसा को नहीं मारा, उसको प्रूव करने के लिए कि महसा की हत्या नहीं हुई है, इसको प्रूव करने के लिए दर्जनों हत्याएं हो गई। और अभी हाल ही में जो हम निका शकरामी की बात कर रहे हैं कि कितनी बर्बरता दिखाई जा रही है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए, उस पितृ सत्तात्मक सोच को प्रूव करने के लिए, वो धार्मिक कट्टरपंथ को प्रूव करने के लिए कि ये हमारी अपनी जिद है और हम उसको मनवाने के रहेंगे। अब हम भारत की बात करते हैं, भारत में वो लोग जो बात करते हैं कि ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब होता है जब आप हर किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करें। लेकिन होता यह है कि वो महिलाएं जो हिजाब बुरखा पहनती हैं, उनको कहा जाता है कि ये बहुत दीनदार औरतें हैं, ये जन्नत में जाएंगी, ये अच्छी महिलाएं हैं, इनका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर वो महिलाएं जो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करती हैं, जो हिजाब नहीं पहनना चाहती या जो बुरखा नहीं पहनना चाहती, उनको कहते हैं कि आदर्श चरित्र नहीं है। तो यहां पर चॉइस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां रह जाती है, या आप उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस का रिस्पेक्ट कहां करते हैं? तो ये दोगलापन जो भारत में नजर आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस और एक्सप्रेशन के नाम पर, ये हमें साफ सीधा देखने के लिए बहुत समय से नजर आ रहा है। पिछले 7-8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हमारे देश में इसको लेकर बड़ा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन एक बात ये कि जो असल मुद्दा भारत में है, भारत में विवाद शुरू हुआ था क्लासरूम में हिजाब को पहनने को लेकर, जहां पर पहले से नियम कायदे कानून है, एक अपनी सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस के अपने अधिकार होते हैं ड्रेस कोड बनाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, लेकिन उसको तोड़कर अपनी जिद स्थापित करनी है, तो ये एक कट्टरपंथ को स्थापित करने की जिद है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कट्टरपंथ को स्थापित करने की जिद और कट्टरपंथ को ये बढ़ावा देने की जिद। फाजिल अहमद साहब, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप अंबर जैदी की इस बात से? देखिए हिमानी जी, भारत में जिन लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट, जो लड़कियां पहुंची हैं वो खुद हिजाब लगाना चाहती हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, वो खुद जाकर के कोर्ट में, अगर कोई आदमी है ना, संवैधानिक अधिकार है ना कि आप क्या पहन सकते हैं, और इसेंशियल है, इसेंशियल है। अच्छा। देखिए बहुत से मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते तो उनको इस्लाम से थोड़े बाहर कर दिया जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग पर्दा नहीं करते, बहुत से लोग पर्दा करते हैं, हिजाब लगाते हैं, तो इसके लिए इस्लाम में इसेंशियल है कि आप पर्दा करें। यदि आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उसका अलग तरीका है। लेकिन वो लड़कियां जो हिजाब लगाना चाह रही हैं, उनको आप फोर्स कर रहे कि आप मत लगाओ, ये गलत है।